फ्री में सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल कहानी सबकी को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केस के आने की कहानी सबकी में। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त तनीश। दोस्तों, हाल ही में सलमान की रेस 3 पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई, फिर भी इस फिल्म ने वीकेंड पर 100 करोड़ कमा लिए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्रिटिक्स इस फिल्म को बॉलीवुड की सबसे बेकार फिल्मों में से एक बता रही है। लगातार 2 ईद पर सलमान फ्लॉप साबित हुए हैं, लेकिन 2019 की ईद कैसी होगी, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सलमान की आने वाली फिल्में हैं भारत, दबंग 3, किक 2, शेर खान, नो एंट्री में एंट्री। इसके अलावा भी कुछ फिल्मों की अफवाह है, लेकिन आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है। 2017 में 23 जून को ईद के मौके पर सलमान की ट्यूबलाइट रिलीज की गई थी, जिसे कबीर खान ने लिखा था और निर्देशित किया था, जो कि बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी। दोस्तों, अब अगली ईद यानी कि 2019 में सलमान भी भारत के साथ वापस आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि भारत को सलमान के जीजा यानी कि अतुल अग्निहोत्री बना रहे हैं। अतुल अग्निहोत्री ने सलमान के साथ 2011 में बॉडीगार्ड बनाई थी। और दोस्तों, जो भारत मूवी आएगी उसमें सलमान 18 से लेकर 70 साल तक की व्यक्ति का किरदार निभाएंगे, जिसे VFX के ज़रिए बनाया जाएगा और इस फिल्म में सलमान के 5 अलग अलग लुक होंगे। दोस्तों, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अगली ईद में ये फिल्म क्या कर पाती है। फिलहाल 2 फिल्में तो फ्लॉप हो चुकी है ईद पे, लेकिन ये फिल्म क्या करेगी, तो आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।